वहीं आज यूपी पुलिस पूरा होमवर्क पूरी तैयारी के साथ अखिलेश यादव का जवाब देने आई। मंगेश यादव की डकैती का वीडियो भी दिखाया, मंगेश यादव के परिवार का ऑडियो भी सुनाया, सोना कहां है ये भी बताया। डकैती मंगेश यादव ने की थी, इसका सबूत लाइव प्ले किया। आज की बात मंगेश यादव पर बहुत से लोगों की टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। जितने सवाल मंगेश यादव एनकाउंटर पर उठाए गए थे, जो जाति वाला नैरेटिव चलाया गया, पूरी थ्योरी 180 डिग्री पलट गई। जो लोग मंगेश यादव को पहले ही दिन क्लीन चिट दे दिए थे, जो लोग कह रहे थे कि मंगेश न डकैती में था न साजिश में था, उसे यादव होने पर फंसाया गया, वो लोग इस तस्वीर को देख ले, नीले कपड़े में दिख रहा लुटेरा कोई और नहीं, मंगेश यादव ही है। हाथ में बंदूक लेकर धमकाता यही मंगेश यादव। मंगेश यादव का बॉडी लैंग्वेज से कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये पहली बार डकैती करने आया है, घबराया हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, ये नर्वस है। ये वीडियो 28 अगस्त का है। लूट के दौरान लुटेरे भरत जी सराफ ज्वेलर की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। मंगेश यादव के हाथ में हथियार है, लूट का विरोध करने पर गोली भी मार सकता था, लोगों की जान भी ले सकता था। लेकिन कुछ लोग सुल्तानपुर डकैती को साजिश बता रहे थे, पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाकर सीधे इसे फेक करार दे दिया था। हत्या की जा रही है, जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। बताइए, जो लोग इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, मंगेश यादव को मासूम बता रहे हैं। आज यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार और एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने उन्हें सबूत दिखाए, सीसीटीवी फुटेज दिखाए, मोबाइल रिकॉर्डिंग दिखाई। मंगेश यादव गुनहगार था, निर्दोष था या उसे फंसाया गया, सब कुछ कैमरे पर है। आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक सुबह की गुंजाइश नहीं है, हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूफ करेंगे। जो राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है, मैं जहां तक आरोप की बात है इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूं, मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती। एनकाउंटर पर एक और नैरेटिव चलाया गया, मंगेश यादव का घर दिखाया गया, बहन का इमोशन दिखाया गया, माँ का दुख दिखाया गया, और यही दिमाग में बैठाने की कोशिश की गई। मंगेश यादव एक गरीब आदमी था जिसका डकैती से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं था। 28 अगस्त को लूट हुई, 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर हुआ, 9 दिन में पुलिस कई बार मंगेश यादव के घर गई। पहला वीडियो सबूत देखी। अच्छा, कई भाई है आपका? एक ही। क्या नाम है? मंगेश। मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई। मुंबई है? कितने दिन से? 2 महीने। 2 महीने से घर नहीं आए? नहीं। मंगेश की बहन ये बात कबूल कर रही, उसके भाई पर मुकदमे है, उसके भाई मंगेश का आपराधिक बैकग्राउंड है। अब दूसरा सबूत देखिए। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव, प्रिंस यादव। क्या लगती हो मंगेश के? मंगेश कई बार जेल गए हैं? दो बार। कहाँ से? जौनपुर से एक बार, एक बार सुल्तानपुर। अच्छा, वो खा के मार के हम सा रहे। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो गए 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। शादी हुआ है उसका? नहीं। कई लड़के हैं आपके? एक ही लड़का है। मंगेश यादव की क्राइम हिस्ट्री के बारे में माँ बहन दोनों को मालूम था। सुल्तानपुर केस में मंगेश यादव की तलाशी हो रही है, ये माँ और बहन दोनों जानते थे। इतना साफ है, लूट के दौरान
मंगेश यादव एनकाउंटर के दौरान पुलिस की छापेमारी के समय घर पर नहीं था। मंगेश यादव के एनकाउंटर किस परिस्थितियों में हुआ, क्या मंगेश यादव को पकड़ा जा सकता था, मंगेश यादव की मौत क्यों हुई, इन सवालों का जवाब एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने पॉइंट टू पॉइंट दिया है। इस घटना को कारित करने के लिए दो मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी, चोरी में यह व्यक्ति शामिल था, साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। वो उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। इनके साथ अरबाज द्वारा लाया गया एक अज्ञात व्यक्ति भी है जिसका नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अखिलेश यादव को चप्पल का, एनकाउंटर का, मंगेश का जवाब मिल गया। अब जो जवाब अखिलेश यादव तलाश रहे हैं वो है सोना कहाँ है। अब जो जवाब अखिलेश यादव तलाश रहे हैं वो है सोना कहाँ है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। और फिर जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी है, जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग। यूपी में योगी राज में माफिया को खत्म कर दिया है और पुलिस ने सोना भी ढूंढ लिया है। सोना न पुलिस के पास था, न किसी के इशारे पर सोने को दबाया गया। सोना मास्टरमाइंड विपिन सिंह के पास था और ये वहीं से मिला। 2 किलो 600 ग्राम सोना मिला है, 20 किलो चांदी मिली है। इसमें मास्टरमाइंड विपिन सिंह के घर से 1 किलो 218 ग्राम सोना बरामद हुआ है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। डकैत विपिन सिंह के अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के भवानी नगर में मौजूद इसी घर से 1 किलो 218 ग्राम सोना मिला है। टोटल 1 किलो 900 ग्राम सोना चोरी हुआ था, 700 ग्राम सोना अभी भी बचा हुआ था। विपिन सिंह के पास जितना सोना था वो डकैती वाले सोने से कम था। पुलिस को विपिन सिंह के बाकी साथियों की तलाश थी क्योंकि बाकी सोना यहीं से मिलता। विवेक सिंह के साथ अरविंद सिंह, दुर्गेश सिंह और विनय शुक्ला भी पकड़े गए हैं। इनके पास से 1 किलो सोना मिला है जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की कार्यशैली से खुश हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा इसमें निर्देशन था, प्रदेश का भी बहुत बड़ा इसमें एक सवाल था कि इस तरीके से हो रही, लेकिन हमें तो लगता है कि शासन भी सही चल रहा है। मुख्यमंत्री जी भी जिस तरीके से सब घटना का खुलासा हुआ और किए, बहुत बड़ा उनका भी प्रयोग, मतलब एक तरीके से योगदान रहा। और माननीय हमारे एसपी साहब और पूरा विभाग जिस तरीके से लगा था, मैं जीवन में सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारा माल मिलेगा, लेकिन आपकी कृपा से हमें पूरा माल मिला और हमारा ही माल है। इसमें किसी प्रकार कोई दबाव नहीं है, कोई मतलब वाली बात नहीं। 16 दिनों में पुलिस 14 में से 9 लुटेरों को न सिर्फ गिरफ्तार कर चुकी है बल्कि लूट का माल भी बरामद कर चुकी है। अभी लिस्ट पूरी नहीं हुई है, अभी कई मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी है जिन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल बंद कर दिया है और कोड नेम से बात कर रहे हैं। पुलिस को जिनकी तलाश है उसमें सबसे ऊपर नाम फुरकान उर्फ गुर्जर, अंकित यादव उर्फ शेखर, अजय यादव उर्फ डीएम और अरबाज है। इन सभी पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। लूट, साजिश और लुटेरों के नामों का पुलिस खुलासा कर चुकी है। पुलिस 3 CCTV भी जारी कर चुकी है। ये वीडियो 13 अगस्त का है, ज्वेलरी की दुकान पर डाका डालने से पहले का है। सीसीटीवी में गैंग के 2 लुटेरे सचिन और विपिन सिंह रेकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लूट को कैसे अंजाम देना है और सोना लेकर कैसे भागना है। दूसरा वीडियो 20 अगस्त का है जहां लूट को अंजाम देने के लिए आरोपी बाइक चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा वीडियो रायबरेली का है
लूट में शामिल त्रिभुवन बोलेरो कार में डीजल भरवा रहा है। इसी बोलेरो कार से आरोपी लूट को अंजाम देने पहुंचे थे और लूट का माल इसी कार से लेकर भागे थे। लूट किसने की, लूट को कैसे अंजाम दिया गया, सारे सबूत पुलिस रख चुकी है। लूट का माल बरामद हो चुका है। अब सवाल अखिलेश यादव से पूछे जाएंगे। अखिलेश यादव ने डकैती को साजिश बताया था, एनकाउंटर को फेक करार दिया था, मंगेश यादव की मौत को जाति से जोड़ा था। अखिलेश सुल्तानपुर एनकाउंटर से पॉलिटिकल माइलेज लेने का सोच रहे थे, लेकिन अब समाजवादी प्लान फंसता नजर आ रहा है। जाति के नाम पर लड़ाने वाले, समाज में सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक वैमनस्य पैदा करके देश को, देश के दुश्मनों को प्रोत्साहित करने वाले लोग एक गरीबी की दंश को क्या झेल पाएंगे, क्या समझ पाएंगे? इन लोगों ने, जिन्होंने शोषण किया हो, जिन्होंने अराजकता फैलाई हो, जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी हो, उन लोगों की पीड़ा को ये लोग कहां समझ पाएंगे? इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय है न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। लगता है यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव के पास मुद्दों की क्राइसिस है। तभी एक डकैती को पॉलिटिक्स से जोड़ा, जाति से जोड़ा, और अब पीडीए तक पहुंच गए हैं। पुलिस ने सबूत दिखाए, अब पूरी स्टोरी बदल गई है।